हाँ बच्चों देखिए, अब देखिए, अब हम करेंगे नेगेटिव आपने पढ़ा, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मान लो दिए गए हैं, आप कैसे उन्हें चेंज करेंगे पैसिव में वो हम देखते हैं। आपको पता है इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, ये माइंड में रहे, दो तरह के हैं। तो दो बातें आपको बतानी है, दो बातें पढ़नी है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला वाक्य, ठीक है, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला। बस टू टाइप के हैं, बस माइंड में रहे और दो ही बातें देखिए आप, उसकी टेक्निक कहाँ पर हमें क्या यूज कर लेना है। आप नंबर वन, वन टाइप का देखेंगे एक्टिव में दिया होगा, क्या दिया होगा, जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब डिड से प्रारंभ हो, ठीक है। ये नहीं, पहली बात आ गई, हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट होगा तो हम पैसिव में क्या करेंगे, हम पैसिव कैसे बनाएंगे। फार्मूला देखिए सेम है, बस केवल क्या करना है, जहां पर डिड लिखा है उसी प्लेस पर आपको जो बाजवर हमने यहाँ बीच में लिखा था उसे वाक्य बिगनिंग में लिखना है, स्टार्टिंग में बाज अथवा पर लिखना है। ये लीजिए डेट हटाएंगे और वहीं पर हम बाज अथवा पर लिखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो ऑब्जेक्ट बदलकर आप सब्जेक्ट में ला रहे हैं यहां पर लाएंगे, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिड के प्लेस पर बाज अथवा पर लिख देना है, इतना आसान कार्य है। यहां पर ऑब्जेक्ट बाकी से फॉर्मूला रहेगा, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है। फिर बात कर देखिए बाहर आ गया है, अब यहां पर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, थर्ड फॉर्म, देन एजेंट लगाएंगे बाय, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। देखिए सारी बातें सेम, सारी बातें सेम है, बस मेथड थोड़ा सा बदल गया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो आपको भी इंट्रोगेटिव, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, ध्यान रहे इंट्रोगेटिव बना रहे हैं आप। बस ये बाज वर्ब डिड के प्लेस पर आ गया है बाहर, बाकी सेम थिंग, सारा सीक्वेंस एक जैसा। ये देख लीजिए आप एग्जांपल से, आप पता कर लेंगे। ये देखिए डिड यू रीड योर चैप्टर, ले लीजिए आपने तुरंत देखा जैसे ही डिड लगा हुआ है और वाक्य के आरंभ में लगा है, इट मीन्स इंट्रोगेटिव वाक्य दिया गया है, और किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य दिया गया है। ओके, आप तुरंत फॉर्मूला माइंड में रखे हैं कि जहां डिड लिखा है उसी प्लेस पर हमें बाज अथवा वर लिख देना है, और कब लिखना है बाज वर, जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो सब्जेक्ट बनकर आया है वो सिंगुलर है अथवा प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग तो हम लिखेंगे बाज अथवा वर, सिंगुलर होगा बाज, प्लूरल होगा तो वर लिख देंगे। ओके, और ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ठीक मैन वर्ब के जस्ट आफ्टर लिखना, मैन वर्ब के जस्ट आफ्टर क्या लिखा है, योर चैप्टर बताया गया, पोजीशन नो चेंज, सीधे योर चैप्टर कहाँ आएगा, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर। देख लीजिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट इधर बनकर, और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया आपका योर चैप्टर। आप केवल चैप्टर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, योर चैप्टर हो गया, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए, योर चैप्टर सिंगुलर है, इट मीन्स आपको यहाँ पर वाज लिखना है, लीजिए योर बॉस लग गया, बस क्रम से आप लिखते चले जाइए। देन क्या लिखा, थर्ड फॉर्म लिख लीजिए, रीड का थर्ड फॉर्म, रेड रेड प्रोनाउंस करेंगे, स्पेलिंग सेम, रीड रेड रेड माइंड में रहे, अगर आप रीड बोलेंगे इस मीन्स है आप गलत बोल रहे हैं,
ध्यान रहे प्रोनाउंसिएशन है रेड रेड वाजी ऑब्जेक्ट रेड बाय और यू का ऑब्जेक्ट पी ये लीजिए ओके एक और देख लीजिए डेट these boys play cricket लीजिए देख लीजिए कितना आसान है डेट लिखा हुआ है फॉरन ऑब्जेक्ट पर जाइए ऑब्जेक्ट क्या है मेन वर्ब के बाद देख लीजिए क्या लिखा क्रिकेट और क्रिकेट है सिंगुलर और वो कहाँ लिखा जाएगा दीज वॉयज के प्लेस पर दीज वॉयज बन गया अब हमारा सब्जेक्ट बन गया क्रिकेट ठीक है और क्रिकेट बन गया है तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया हेनरी वर्ब आपका सिंगुलर है इसलिए वॉज क्रिकेट प्लेड बाय और दीज वॉयज ऑब्जेक्ट बन गया दीज वॉइस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे अब देखिए दूसरी तरह का है जब वाक्य किससे होगा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा दूसरी तरह के वाक्य में नंबर टू में देख लीजिए दूसरे टाइप का जब वाक्य दूसरी तरह के सेकंड टाइप में क्या होगा जब वाक्य क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ तब पैसे क्या बनाना है तब आपको पैसे कैसे बनाना देखिए एक ही केवल चेंज करना है केवल एक ही बार चेंज करनी है पैसे में सबसे पहले ये लीजिए ये देख लीजिए सबसे पहले ये काम करना है इतना आसान कार्य है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया देख लीजिए एक कार्य यहाँ आपने देखा है वही एक शब्द यहाँ पर आ गया है वही दिया गया क्वेश्चन वर्ड जो गिवन होगा वही आपको यहाँ लिख देना है बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा इसमें कोई चेंज नहीं सेम फॉर्मूला रहेगा केवल क्वेश्चन वर्ड जहाँ दिया था वही क्वेश्चन वर्ड रहेगा ठीक है बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें आप देखिए वाई डेटर द मास्टर कॉल द सर्वेंट देख लीजिए आप दूसरे टाइम का हमने देखा वाई लगा है और वाई के बाद क्या लगा है हेल्प नंबर लगी है डेट हमने पहचान लिया टेंस पास इंडेफिनिट है आपको फॉर्मूले में लिखाया गया है कि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना है हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लिया या फिर माइंड में रखें क्वेश्चन वर्ड लिख लिया उसके बाद पहला कार्य है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना सब्जेक्ट क्या बन गया द सर्वेंट सर्वेंट सिंगुलर है इसलिए आपको यहाँ पर पहले के लिए वॉज सब्जेक्ट जब ले आएंगे तभी हेल्पर का डिसीजन होगा ये ध्यान रखें वॉज द सर्वेंट थर्ड फॉर्म लगा लीजिए कॉल्ड एज एन बाई लगा के यहाँ पर सब्जेक्ट बाय द मास्टर ये लीजिए वाई वॉज द सर्वेंट कॉल्ड बाय द मास्टर अब देखिए आपको पिछली बार बताया गया था पिछले टर्म पर आपको ये बताया गया है जब हु दिया होगा वाक में यानी वाक जब हु से स्टार्ट होगा तो हु का बताया था मैंने ऑब्जेक्ट हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है तो वाक के आरंभ में ही जहाँ पर हु लिखा है उसी जगह पर आपको उसके पहले बाई एजेंट लगाकर हुम लिखना होता है बस
बाकी क्वेश्चन वर्ड सेम उतारे जाते हैं, लिखे जाते हैं। हु के स्थान पर लिखे दे रहा हूं फिर से, हु के स्थान पर बाय हूं, बाय हूं लिखते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन वर्ड सेम रहेंगे बच्चों, बाकी क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंज नहीं, केवल वो वाले वाक्यों में इस तरह का चेंज करना है और बहुत आसान और इम्पोर्टेंट भी। ये देख लीजिए एग्जांपल में वो कार्ड यू, ये आप देख रहे हैं उनके बाद यहाँ नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव में क्वेश्चन है, अफर्मेटिव में दिया हुआ है, इसलिए सेकंड फॉर्म दी गई है। आप सब पहचान लेंगे पास्ट इंडेफिनिट का है, आपने देखा हुआ हु लिखा हुआ है, आपको बताया गया है कि हु के प्लेस पर बाई हूँ लिखे लीजिए, पहला काम हो गया। अब ये क्वेश्चन वर्ड हो गया है, इसके हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब तब लिखना है जब आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करके यहाँ सब्जेक्ट बनाकर ले आएंगे। सामने लिखा है ऑब्जेक्ट, इतना आसान है, मैन वर्ब नहीं है ऑब्जेक्ट, ये यू ऑब्जेक्ट लिखा है और यू का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यू होता है, सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यू, तो यू हुआ है, इसलिए क्या लगाना है वर्ब, ये माइंड करना है बाय यू वर यू का। एक और देख लेते हैं, वो कार्ड यू हिंदी, पहला कार्ड कर देते हैं बाई हूं, ठीक है। अब देखिए मैन वर्ब ये रहा, और इसमें देख रहे हैं आप दोनों ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसलिए मैंने दिया है, जरा माइंड करें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लिखा है, किसको लगा के आप पता कर सकते हैं इनडायरेक्ट लिविंग बींग होता है यू, डॉट पर पढ़ाया किसे या किसको फाइंड कर लिया आपने यू, और व्हाट लगा के पूछा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिंदी, इन दोनों से ही पैशो बनता है, इन दोनों से ही पैशो बनता है। आप इस अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर ला रहे हैं तो माइंड में रहे इनडायरेक्ट के पहले टू इंसर्ट करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप बाद में ले जा रहे हैं तो उसके पहले टू लगा देना है बस, और अदरवाइज आप सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाएं, इसलिए यू आ रहा है, यू के अनुसार लिख दिया बर, बर फिर यू बाई यू बर यू डॉट और आगे बचा हिंदी। लीजिए अगर आप हिंदी से बनाना चाहते हैं तो ये बता दे रहा हूँ क्या डिफरेंस होगा, ये देखिए एक जगह क्या करना है बाय हूँ, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ लाना चाहते हैं हिंदी देन हेल्पिंग वर्ब हो गया वॉज, सिंगुलर है हिंदी, देख लीजिए By whom was Hindi? बाकी सब लिखते रहिए। डॉट अब आप इनडायरेक्ट बात में ले जा रहे हैं, ये रहा, ये काम करना है, क्या लगा दिया है टू लगा दिया है, यदि इनडायरेक्ट को बाद में ले गए ऑब्जेक्ट को और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले किया है, दोनों में डिफरेंस ये है, आपको जो आसान लगे वो आप सॉल्व करेंगे, दोनों बातें याद रखेंगे। थैंक यू, अब अगले वीडियो में अगले टर्म पर हम पढ़ाएंगे, आगे कंटिन्यू रहेगा।